गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे एसी के पूरे साइकिल के ऊपर और बोर्ड प्लान करेंगे, क्योंकि बोर्ड के ऊपर देखना है कि एसी का सिस्टम कैसे लगा होता है और कौन कौन से कंपोनेंट कहां कहां लगे हुए थे। हमने कल वीडियो में बात किया था हमारे कि एसी के कंप्रेसर होता है, ये कंडेंसर होता है, ये कहां कहां लगे होते हैं, उनके बारे में आज हम बोर्ड पे आपको दिखाएंगे कि ये कहां लगे होते हैं और इनका क्या काम होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से ही जानेंगे। और एसी कितने प्रकार के आते हैं, कौन कौन सी कार में कौन से कंपनी का एसी वेंडर्स देता है, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाइयों को ये चीज़ का पता लग जाएगा कि एसी कंप्रेसर कौन सा है, उसमें गैस कौन सी आएगी, किस किस कंपनी के एसी कंप्रेसर आते हैं, कौन सी कार के अंदर कौन सी कंपनी का एसी कंप्रेसर होता है, उनके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। लेकिन आज हम कंप्रेसर के बारे में जानेंगे कि जो एसी कंप्रेसर होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ ख़राब होती है, क्या क्या उसमें रिपेयर हो सकता है, उसके बारे में भी आज हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, एसी कंप्रेसर होता है जो कि हमारा एसी, हमारी जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसे डाउन करने के लिए एसी लगाया जाता है। वो अलग से इंजन के अलग से एक पार्ट होता है और उसका एक साइकिल बनता है। उस साइकिल के आधार पर ही हमारा एसी सिस्टम चलता है। अगर उस साइकिल के अंदर कहीं से भी कोई ब्रेक आता है या तो वो एसी सिस्टम हमारा फेल हो जाता है। उस सिस्टम को सही करने के लिए हमें कैसे डायग्नोस करना है उस तरीके से, तो उसके बारे में ही आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे और पूरी तरीके से उसके बारे में समझेंगे। और आप, मैं कोशिश करता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आप बीच में से बहुत चीज़ खो देंगे और जिससे आपको डायग्नोस करने में या एसी सिस्टम को चलाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। होता क्या है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई होते हैं, वो एसी के बारे में नहीं जानते, तो उन्हें भी कुछ नॉलेज आ जाएगी कि एसी सिस्टम कैसे काम करता है, उसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में पूरा पता लग जाएगा। तो आप, हम सीधे अपने बोर्ड पे बात करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे देख के नहीं हम आपको बताते हैं कि एसी सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अब हम अपने बोर्ड के ऊपर हमने एक डायग्राम बना लिया है जिसके अंदर होता क्या है, एक एसी सिस्टम का ये पूरा साइकिल है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं और हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले इस कार के अंदर जो एक साइकिल बनता है, उस साइकिल के बारे में पूरा जान लेते हैं कि एसी सिस्टम कैसे कहां लगा होता है। आपको सबसे पहले एसी सिस्टम को, इंजन कंपार्टमेंट का आप पहले बोनेट ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिखेगी वो चीज़ दिखा देता है। और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको नज़र नहीं आते, वो डैशबोर्ड के अंदर लगाए हुए होते हैं जो आपको नहीं दिखते। तो अभी मैं आपको पहले इसका एक साइकिल पूरा बता देता हूं, कैसे साइकिल होता है उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं। तो आप देखिए, अभी सबसे पहले आता है एक हमारा एसी कंप्रेसर, दूसरा आता है हमारा एसी कंडेंसर, तीसरा होता है हमारा आरडी बोतल, चौथा होता है हमारा इवोपरेटर यानी कूलिंग कॉइल। अब ये कैसे काम करता है, और एक होता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। अब ये सब चीज़ों को हम, और कैसे काम करता है, ये हमारी लो प्रेशर पाइप है जिसके ऊपर एक लो प्रेशर वाल लगा होता है, एक हाई प्रेशर पाइप होती है जिस पे हाई प्रेशर वाल होता है, ये वाली हमारी लिक्विड पाइप होती है, तो इस पे हमारी एक आरडी बोतल लगी हुई होती है। तो अब ये साइकिल के बारे में हम समझ लिए हैं कि इसमें ऐसे हिसाब से हमारा सिस्टम चलता है। ये कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल है, इसके ऊपर एक ब्लोवर लगता है। ब्लोवर क्या होता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो ये ब्लोवर हमारी हवा को खींच के बॉडी के अंदर देता है, अंदर की जो तापमान होता है उसे बाहर निकाल देता है। और ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करता है, जो हमारी यहाँ से हाई प्रेशर पाइप से जो हमारी गैसें हाई टेम्परेचर में आ रही है उसे ठंडा करने के लिए एक कंडेंसर फैन लगाते हैं। ये हमारा कंडेंसर फैन हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि हम सिर्फ आज बात करेंगे एसी कंप्रेसर के बारे में, एसी कंप्रेसर कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक हमारा एसी कंप्रेसर है। एसी कंप्रेसर में क्या होता है, ये हमारा इंजन की बेल्ट के द्वारा ये चलता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक पुली होती है, पुली से हमारी जो एसी पुली पे हमारी एक ड्राइव बेल्ट लगती है, जो इंजन की सहायता से जब इंजन हमारा स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक पुली होती है, उस पे ये घूमता रहता है, बेल्ट उस पुली पे घूमती रहती है। तो इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, जब इस मैग्नेटिक कॉइल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल करंट भेजते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो यहाँ से जो हमारी पुली
फ्री घूम रही थी। ये क्या होगी थी, इसमें एक शाफ्ट होती है जो इस शाफ्ट हमारी अंदर के जितने भी पिस्टन्स हैं उनको मूवमेंट कराती है। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो ये हमारा जो पुली इसके ऊपर फ्री बैरिंग की सहायता से घूमती है, उस बैरिंग की सहायता से हमारा ये चलता रहता है। जैसे ही हम इसमें मैग्नेट करंट देते हैं तो ये चिपकता है पुली की सहायता पे। जब ये पुली पे जैसे ही चिपकेगा तो ये क्या होगा, इस जो रोड लगी हुई है हमारी, ये शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट भी हमारी घूमना चालू करेगी। जब शाफ्ट घूमना चालू करेगी तो अंदर के पिस्टन्स है ना जो चालू हो जाएंगे। जब पिस्टन चालू हो गए तो जो हमारी इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस हमारी होती है R134 A गैस होती है हमारी, R134 गैस इस पूरे सिस्टम में भरी जाती है। अब वो अलग अलग क्वांटिटी में होती है, जैसे कि किसी में 550, किसी में 700, किसी में 900 ग्राम, अलग अलग कंपनी अपने अपने डिज़ाइन करती है कि उसके सिस्टम में कितनी गैस आएगी। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं मारुति की कार में 550 ग्राम गैस आती है स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर, 550 ग्राम गैस आती है, 550 ग्राम गैस आती है। तो अब हम चलते हैं, अभी हम सिर्फ कंप्रेसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या करता है, जब ये इस पर मैग्नेट उत्पन्न होता है तो ये मैग्नेट चलता है, जैसे ही मैग्नेट उत्पन्न होगा तो ये इसका जो क्लच है वो इंगेज हो जाएगा। जैसे ही क्लच इंगेज होगा तो ये शाफ्ट अपनी घूमना चालू करेगी। शाफ्ट जब घूमेगी तो अंदर के जितने भी पार्ट्स है मूवमेंट करेंगे, और जब पार्ट मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा कि इधर से ये गैस को खींचेगा, एक साइड से सक्शन होता है, दूसरी साइड से ये कंप्रेस होता है। जब ये सक्शन करेगा तो यहाँ से जितनी भी गैस है उसे कंप्रेस करके दबाएगा, जब इसको कंप्रेस करेगा तो हमारी गैस आगे जाएगी। अब हमारा मान लीजिए हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, जब मैंने अगर इलेक्ट्रिकल करंट दे दिया तो, और अगर मेरा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्लच काम नहीं कर रहा, तो आपको इसका सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। आपके इलेक्ट्रिकल करंट, यहाँ दो वायर होती है, उनमें प्रॉपर तरीके से 12 वोल्ट का करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसमें 12 वोल्ट का करंट नहीं आ रहा तो आपको क्या देखना है, आपके फ्यूज़ चेक करने हैं, रिले देखने हैं, और आगे के जितने भी वायरिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से देखना है। उस वायरिंग सिस्टम को आप प्रॉपर तरीके से देख लें। अगर यहाँ पर करंट आ रहा है तो आप समझिए कि इसकी जो अंदर जो क्वाइल है, जो मैग्नेटिक कॉइल है, वो ख़राब हो गई है। अगर वो मैग्नेटिक कॉइल ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक जो क्लच है वो वर्किंग नहीं करेगा। जब वो वर्किंग नहीं करेगा तो क्या, जो हमारी फ्री पुली घूम रही है इंजन के साथ, उसके साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कनेक्ट नहीं होने के कारण हमारे ये जितने भी अंदर के जो पार्ट है, जो पिस्टल्स लगे हैं, वो काम नहीं करेंगे। जब वो काम नहीं करेंगे तो इधर से सक्शन नहीं होगा, आगे कंप्रेस नहीं होगा। जब कंप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा एसी सिस्टम बीच में से ब्रेक हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल के बाद में, आगे देखते हैं। अगर आपके एसी सिस्टम में गैस नहीं है तो आपका एसी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उसको चेक करने के लिए आप इन दोनों वालों पे, ये लो प्रेशर वाल है, ये हाई प्रेशर वाल है, तो आप हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाल पे आप एक गेज आता है, उस गेज को लगाइए। गेज में आप चेक कीजिए कि आपके सिस्टम में जो 550 ग्राम गैस थी वो है या नहीं है। अगर उसमें गैस नहीं होगी तो आपका एसी सिस्टम काम नहीं करेगा। आगे हम चलते हैं, अगर आपका ये सिस्टम, इस सिस्टम में हवा आ जाएगी तो भी आपका एसी सिस्टम काम नहीं करेगा। हवा तभी आती है तब आपकी कहीं से लीकेजिंग होगी, इस सिस्टम में कहीं पे लीकेज हो जाता है तब आपके इस सिस्टम में हवा आ जाती है और ये सिस्टम नहीं काम करता। दूसरी चीज़, अगर इसमें ऑयल कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिनोसो ऑयल आता है डेंसो का, उस ऑयल अगर कम हो जाता है तो ये कंप्रेसर हमारा सीज मार जाता है, जो इसके पिस्टन्स आगे पीछे मूवमेंट करते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो भी हमारा ये कंप्रेसर कंप्रेस नहीं कर पाएगा, नहीं सक्शन कर पाएगा, नहीं कंप्रेस कर पाएगा। तो आप इस वाल्व पे लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में गैस प्रॉपर है या नहीं है। अगर उसमें प्रॉपर गैस है तो हमारा ये सिस्टम कंप्रेस और सक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको देखना है। मीटर हमारा जब सक्शन होगा तो हमारा जो लो प्रेशर गेज है वो डाउन आएगा, हाई प्रेशर गेज जो हाई में जाएगा थोड़ा सा उठेगा, तो उस चीज़ से आपको पता लग जाएगा कि मेरा कंप्रेसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सिस्टम हमारा मीटर नहीं काम कर रहे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा एसी कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको कैसे चेक करना है कि एसी कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको खोलिए और इसके पाइप चेक कीजिए, पाइपों में कोई कालक तो नहीं आ गई, यानी कि उसका ऑयल तो ख़राब नहीं हो गया। अगर ऑयल ख़राब हो गया तो होता क्या है, इसके अंदर जो बहुत ही माइनर होता है, जो इसमें गेज का, जो इसमें कंप्रेस की, और जो है ना हमारे जैसे इंजन के अंदर एक पिस्टन होती है, पिस्टन रिंग और होती है, तो क्या वो
कट जाती है तो क्या होता है, इंजन हमारा कंप्रेस नहीं बना पाता और इंजन हमारा फिर स्टार्ट नहीं होता, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसी हिसाब से इसके भी पिस्टन कट जाते हैं तो वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, गैप क्रिएट होने के कारण ये कंप्रेस नहीं कर पाता। कंप्रेस नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, एसी सिस्टम हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो गया, अगर आपका ये एसी कंप्रेसर अगर आवाज़ कर रहा है तो आपका ये बैरिंग में प्रॉब्लम आ गई है। तो इस बैरिंग को आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसका क्लच को लॉक खोलेंगे, लॉक खोलने के बाद में एक बोल्ट होता है उसको खोल के इसका बैरिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं। आपको ठोकना नहीं है, इसको प्रेस पे जाके खिंचवा के नहीं, आपको इसका टूल आता है उसको खींच के नहीं आप निकाल लीजिए और बैरिंग दूसरा उसी नंबर का आप डाल सकते हैं, तो आपकी ये नॉइज़ लेवल की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके अंदर ही नॉइज़ लेवल आ रही है तो आपको इसका पूरा कंप्रेसर चेंज करना होगा। तो इस हिसाब से अब कंप्रेसर हमारे जो आते हैं, आज हम देख रहे हैं कि एसी कंप्रेसर जो होते हैं, एसी जो हमारा है, एसी में गैस जो आती है R134 आती है, R134 जो अभी लेटेस्ट चल रही है, पहले R12 आती थी, वो थोड़ी हार्ड गैस होती थी, इसलिए कंपनी ने क्या किया इस गैस से को रिप्लेस कर दिया और R134 गैस लेके आए। R134 गैस इसलिए डाली जाती है क्योंकि वो आंखों को ख़राब नहीं करती। R12 क्या होती थी, एसी गैस हमारी आंखों को ख़राब करती थी और हमारे शरीर में भी कहीं पे लगती थी तो वो दिक्कत करती थी, इसलिए हमारी एसी गैस चेंज किया, R134 गैस लेके आए। अब हमारे सिस्टम में क्या होता है, एसी कंप्रेसर होते हैं, एसी कंप्रेसर जैसे कि आपका बेहर का हो गया, आपका सुब्रोस का हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे कि अगर हायर में जाते हैं तो पैनासोनिक्स हो गया, तो कई अच्छे अच्छे कंपनी अपने जितने भी सेगमेंट के अनुसार कंप्रेसर का भी डिज़ाइन किया जाता है। मर्सिडीज में जाएंगे तो थोड़ा हायर कंपनी का ही कंप्रेसर होता है। आगे हम चलते हैं, इस हिसाब से आप इस कंप्रेसर को प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, और कंप्रेसर आपको इंजन के लेफ्ट या राइट साइड में कनेक्टेड मिलेगा। जब आप इसका इंजन को कनेक्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपको एल्युमिनियम अलॉय का मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा एल्युमिनियम अलॉय की पूरी बॉडी होती है वो एसी कंप्रेसर ही होता है। एसी कंप्रेसर के ऊपर दो पाइप होती है, एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर, तो एक पतली पाइप होती है एक मोटी पाइप होती है। अगर उसको आगे देखते हैं तो एक पुली होती है जो इंजन स्टार्ट होता है तो वो घूमती है, लेकिन जब हम उसमें इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तभी वो वर्क करना चालू करती है, तभी इसके अंदर के पार्ट है मूवमेंट करते हैं। तो ये हमने आज एसी कंप्रेसर के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करी। अगली बार हम ये हाई प्रेशर पाइप और ये लो प्रेशर पाइप के बारे में बात करेंगे। लो प्रेशर पाइप मोटी क्यों होती है, लो प्रेशर पाइप मोटी क्यों होती है, हाई प्रेशर पाइप बिल्कुल पतली क्यों लगाई जाती है। कंडेंसर के बारे में बात करेंगे, कंडेंसर में फिन से लगी हुई होती है, पाइप से लगी हुई होती है, इसमें जो ट्यूब्स है इसके ऊपर ये हमारा ब्लोवर क्यों लगाया जाता है, ये हमारी कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के ऊपर हम ब्लोवर क्यों लगाते हैं, एक्सपेंशन वाल कैसे वर्क करता है, आईडी बोतल क्यों लगाई जाती है, इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और एक एक टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो अगली टॉपिक पे हम बात करेंगे कंडेंसर फैन, कंडेंसर के बारे में और कंडेंसर फैन के बारे में। तो आज आपने देखा कि हमने आज एसी कंप्रेसर के बारे में बात किया और एसी कंप्रेसर के बारे में ही जाना, और एसी कंप्रेसर के बारे में आपने देखा कि पूरा डिटेल से हमने आपको बता दिया। अब हम अगली वीडियो में आपको कंडेंसर के बारे में बताएंगे और एसी के पूरी डिटेल्स देंगे कि एसी सिस्टम कैसे काम करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को आप इन वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए, जैसे कि उनको भी एसी सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए और वो आगे इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अपना काम देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू, विश यू वेल्थ।